नहीं जान रहा है, अनजान हो तो कोई बात नहीं, पर जानता हुआ भी कि ये दुखमय है, क्लेशमय है, इसका परिणाम ठीक नहीं है, ये सब समझता हुआ जानता हुआ भी तू अज्ञानी की तरह व्यवहार किए चला जा रहा है। कहने को तो बड़ा पंडित है, विद्वान है, पर वो अज्ञानी के समान व्यवहार किए जा रहा है। श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है 9वें स्कंध का, उसमें भगवान व्यास कह रहे हैं ययाति के प्रसंग में, मात्रा स्वस्रा दुहित्रावा न विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। भगवान व्यास कह रहे हैं कि जन्मदात्री माता, स्वस्रा माने बहन और दुहित्रा माने बेटी, माँ बहन बेटी, इनके साथ भी बुद्धिमान विद्वान पुरुष को एकांत सेवन नहीं करना चाहिए, एकांत में नहीं रहना चाहिए। क्यों? बोले बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति, इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि वो विद्वान पुरुष का भी कब आकर्षण कर लेगा नहीं कहा जा सकता है। यही है जानत जानत हु नहीं जान्यो, ज्ञानवान तो है पर ज्ञानवान होते हुए भी विकार विषय उपस्थित होने पर अज्ञानी के जैसा कार्य करने लग जाता है। व्यास जी के शिष्य महर्षि जैमिनी, उन्होंने इस श्लोक पर संदेह किया, उन्होंने कहा गुरुदेव क्षमा करना हमारे अपराध को, आप थोड़ा लिखने में जल्दी कर गए, इसमें अविद्वान समपि कर्षति लिखो कि मूर्ख का आकर्षण विषय करता है विद्वान का नहीं। मात्रा स्वस्रा दुहित्रावा न विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो अविद्वान समपि कर्षति। हाँ खंडाकार करो, अविद्वान समपि कर्ष, अविद्वान को, विद्वान को नहीं। तो व्यास जी बोले के द्वारा लिखने की और लिखकर काटने की परंपरा नहीं है, भगवान की प्रेरणा से जो लिख दिया सो लिख दिया, और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन विद्वान को भी इंद्रियां और गड्ढे में डाल देती हैं, ये बात सत्य है। ये बात महाराज जी की बताई हुई। भक्तवल्लभा टिप्पणी समाप्त हो गई थी, बहुत समय से समाप्त थी, तो कुछ पुराने फर्मा पड़े थे, उनको इकट्ठा करके 8-10 प्रतियां कुछ बनाई गई थी, उन प्रतियों में एक प्रति महाराज जी ने हमको भी दी, वो जोड़ तोड़ के बनाई गई थी प्रतियां, अब तो द्वारा छप गई मलुकपीठ से। तो महाराज जी ने भक्तवल्लभा टिप्पणी, जो महाराज जी ने सबसे पहले भक्तमार्ग पर लिखी थी, वो दिया, अपने हाथ से दिया, तो हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी इस पे कुछ आप आशीर्वाद लिख दीजिए। तो महाराज जी ने ऊपर लिखा श्री हरि शरणम पेज पे, फिर नीचे लिखा श्री मलुक पीठाधीश्वराय राजेंद्र दासाय स्वस्ति, आशीर्वाद लिखा संस्कृत में, और नीचे लिखा दासान दास महाराज जी का हस्ताक्षर। तो हमने महाराज जी से कहा, हमने कि महाराज जी हम तो मलुक पीठाधीश्वर हैं नहीं, हाँ खाक चौक जो है
छोड़ के मलुक में आ गए हैं, हमको किसी ने मलुक पीठाधीश्वर थोड़ी बनाया है, तो हम मलुक पीठाधीश्वर नहीं हैं, आपने लिख दिया है, हम तो महंत भी नहीं है, खाक चौक में थे तो महंत थे, वहाँ से छोड़ दिया तो महंत भी नहीं है, तो न तो महंत हैं न मलुक पीठाधीश्वर हैं, आपने लिख दिया। तो महाराज जी बोले, पंडित जी लिखकर काटने की परंपरा नहीं है, अब हमने लिख दिया तो लिख दिया, हम काटेंगे नहीं, राम जी की प्रेरणा से लिख दिया, ऐसा बोले महाराज जी, राम जी की प्रेरणा से लिख दिया। इसके बाद किसी से कहा नहीं गया, अपने आप लोग मलुक पीठाधीश्वर कहने लग गए, अपने आप कथाओं में लोग लिखने लग गए मलुक पीठाधीश्वर। उसके बाद हिताश्रम में कथा हुई, उन्होंने मलुक पीठाधीश्वर लिखवा दिया। कुछ लोगों में चर्चा भी चली, अरे भाई किसने बना दिया इनको पीठाधीश्वर, कैसे हो गए, ऐसी चर्चा भी चली। मैंने भी उनसे कहा, अरे वो आप मलुक पीठ में हैं तो पीठाधीश्वर नहीं तो क्या है, लिख दिया हमने तो लिख दिया, कार्ड में भी लिख दिया और बैनर में भी लिख दिया। तो महाराज जी के लिखने के बाद अपने आप चल पड़ा। इसके बाद पटना में नागा बाबा ठाकुरबाड़ी में पूज्य बक्सर वाले मामा जी, वो वहाँ से विवाह उत्सव करके फिर जा रहे थे वापस, वो हमारी वहाँ नागा बाबा ठाकुरबाड़ी में कथा थी, तो मामा जी आए हमसे बोले, भैया एक बात का बुरा तो नहीं मानेंगे। अरे हमने किया, हम क्यों बुरा मानेंगे, आप आज्ञा करिए। तो बोले देखो, ये जो मलुक पीठाधीश्वर मलुकदास जी का द्वारा है, उसको मैं आपको किसी ने बनाया तो है नहीं, कुछ लोग हमसे कह रहे थे मेरे राम से कि वो मलुक पीठाधीश्वर लिखते हैं, तो मेरे विचार से मलुक पीठाधीश्वर न लिख के, इसमें थोड़ा अभिमान भी होता है, मलुक पीठाश्रित ऐसा लिखो, मलुक पीठ के आश्रित हैं, अधीश्वर थोड़े ही हैं। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है आपकी जो आज्ञा। तो फिर उन्होंने फिर कहा कि आप ये किसकी प्रेरणा से लिखते हैं, तो यही घटना मैंने उनको सुनाई कि महाराज जी ने हमको भक्तवल्लभ टिप्पणी दी और अपने हाथ से ये लिखा, तो यही बात है, बाकी तो हमने किसी को कहा नहीं, और ना मैं अपने हाथ से लिखता हूँ मलुक पीठाधीश्वर। इतना सुनते ही मामा जी ने दोनों कान पकड़ लिए, बोले बाबा सरकार ने अपनी कलम से लिख दिया, बोले फिर कोई ना बनावे तब तो आप हो, तब तो तब मत बदलना, तब यही ठीक है, बाबा सरकार ने यदि अपने हाथ से लिख दिया तब बदलने की जरूरत नहीं है। बड़े प्रसन्न हो गए मामा जी। अब इसके बाद महाराज जी तब विराजमान थे, शरीर में विराजमान थे, 2006 में महाराज जी का भगवत धाम प्रयाण हुआ और 2007 में श्री मलुक पीठ का नया मंदिर बन के तैयार हुआ। तो सब संतों से हमारा प्रेम है, भारतवर्ष के सभी संप्रदायों के संत कृपा करके बुलाते हैं, सब स्नेह करते हैं, तो हमारे मन में भी विचार था कि जब सब बुलाते हैं तो एक बार सबको बुला लिया जाए उत्सव में, तो लोग मलुक पीठ का दर्शन भी कर लेंगे। तो सन्यासी उदासी और सभी अनी अखाड़े जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री हरियाचार्य जी महाराज थे, वो भी आए, और भी तमाम सन्यासी अखाड़ों के श्री महंत वगैरह भी आए, वैष्णवों के तो सब थे ही, निर्वाणी निर्मोही दिगंबर सब थे, चारों संप्रदाय थे। पूज्य श्री डाकोर वाले महाराज जी, श्री स्वामी माधवाचार्य जी महाराज भी थे अपने दल बल के सहित, रहवासा महाराज भी थे। कल मलुकदास जी की जयंती है और आज शाम को रात मैंने 8 बज रहा होगा करीब लगभग, उन्होंने श्री माधवाचार्य जी ने और श्री ज्ञानदास जी महाराज भी थे और कई संत थे, उन्होंने हमको बुलाया, बाराघाट वाले महंत जी थे, रहवासा महाराज भी वहीं थे, बुला करके कहा कि देखो हम लोग पूरा भेष भगवान का आया, पूरा समाज आया है, तो हम लोग कुछ करके जाएंगे। क्या करके जाएंगे, बोले हम पूरे भारतवर्ष का कुंभ में जितने प्रधान प्रधान संत होते सब यहाँ आए हैं, तो कल हम जगतगुरु द्वाराचार्य पद पर आपको आपका अभिषेक करेंगे, आपको बनाएंगे।
तो हमने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज नहीं ऐसा आप न करें, क्योंकि हमने तो ऐसा हमारी योजना होती तो हम आपसे कहते, या कार्ड में छपता, या तो ठाकुर जी की प्रतिष्ठा में आप सबको बुलाया गया है मलुकदास जी की जयंती में, और हमको तो ऐसा ही रहने दीजिए, हम इस आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे। इतना सुनते ही नाराज हो गए, बोले आसन बासन बांधो, अब नहीं रहेंगे यहाँ, चलो चलो यहाँ से, कुछ नहीं लेना, भेंट बधाई भी नहीं लेना, चलो यहाँ से, भेष भगवान की बात नहीं मानते, समाज की बात नहीं मानते, हम लोग जा रहे हैं। अरे ये पीठ तो लुप्त तो हो गया था, आपने इतना परिश्रम पुरुषार्थ करके इसको खड़ा किया है, अब समा आपने मांगा नहीं, आपसे कोई दो पैसा भेंट नहीं मांग रहा, नहीं तो महाराज लोग सौदेबाजी करते हैं पद प्रतिष्ठा के लिए, आपको दे रहे हैं आप नहीं ले रहे हो, नहीं मानते तो हम लोग नाराज होके जा रहे हैं, बड़ी समस्या हो गई। फिर हमने कहा महाराज जी वृंदावन के संत लोग नाराज हो जाएंगे कि हमको बताया नहीं, वृंदावन में भी तो चतुर संप्रदाय है, महंतों को किसी को बताया नहीं, और अब रात हो गई, कल सवेरे जयंती है, अभिषेक है, सब काम तो कर लिए। तो बोले आप उसकी चिंता क्यों करते हैं? हम लोग बैठे हैं ना। तुरंत उन्होंने समाज के अध्यक्ष अध्यक्ष सबको बुला लिया, बोले किसी को विरोध? अरे बोले महाराज क्या विरोध, आप लोग हमारे बड़े लोग हो, मालिक हो, कोई विरोध नहीं। तो 2007 में मलुक जयंती के दिन, वैशाख कृष्ण पंचमी के दिन उन लोगों ने वो नाटक किया। तो जिस समय नाटक किया, एक बात बता रहे हैं, उस समय हमारे मन में वही दृश्य देख गूंजा कि हम तब 2000 की बात होगी परमन जी, जब महाराज जी ने मलुक पीठाधीश्वराय लिखा, तो मैंने मन में सोचा 2001 की बात होगी शायद, हैं? हाँ, तो तब हमारी समझ में आया पहुंचे थे। हाँ जी जी, मतलब 2000 पूरा हो रहा था। हाँ जी जी, 2001 में कुंभ मेला था प्रयाग का। हाँ हाँ, तो उसके पहले की घटना है। तब हमारे ध्यान में ये बात आई कि ये 2007 में घटने वाली घटना को महाराज जी ने उसी समय देख लिया, और नहीं तो कोई प्रसंग ही नहीं था, उनके स्वभाव में ही नहीं था कि कोई उपाधि लगा के लिखें, उन्होंने लिख दिया। तो बोले जो लिख दिया उसको काटा नहीं जाता है।